देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री धर्मपाल चौधरी जी, जो कि जिला स्वर्ण परिषद के अध्यक्ष हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर तथा इस पाठशाला के प्रिंसिपल व यहाँ के शिक्षकगण तथा मेरे साथी जो कि एसपी रिटायर्ड हैं, श्री रोशनलाल विशिष्ट जी, इस पंडाल के बीच में उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, महिला शक्ति व प्यारे बच्चों, आज के शुभ अवसर पर जबकि ये पाठशाला अपना 7वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, मैं यहाँ के सभी शिक्षकों को तथा यहाँ के बच्चों को आज के इस पावन दिवस पर हार्दिक अपनी बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि ये पाठशाला दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करें और जो भी इस पाठशाला से विद्यार्थी निकले वो आगे जाकर अपना नाम रोशन करें जैसे जैसा कि होता रहा है। मैं सबसे पहले श्री धर्मपाल चौधरी जी, जो कि अध्यक्ष है, आज मेरा इनसे मुलाकात का दूसरा अध्यक्ष के रूप में दूसरा अवसर है। पहले ये पट्टा में हमारा पेंशनर्स और जो सीनियर सिटीजन है वहाँ की पट्टा यूनिट का सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी और ये बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। हमें खुशी है कि हमारे ऐसे नौजवान साथी इतने अच्छे पदों पर है और क्योंकि जो भविष्य डिपेंड करता है वो हमारी युवा पीढ़ी पर करता है। ऐसे ही जैसे कि अभी आपने सुना कि हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स पार्टी में कंटोनमेंट में आए हैं उन्होंने कितनी उन्नति की है और हमने भी देखा है कि जो इंक्रोचमेंट वहाँ पार्टी में हो रही थी ये पहले ऐसे अफसर है जिन्होंने की इस इन एनक्रोचमेंट को जो है वहाँ से हटाया और स्पाटू की छावनी को जो है वो सुंदर रूप दिया। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और जहाँ तक धर्मपाल जी का सवाल है, ये तो पूरे जिला के उत्थान में विकास में लगे हैं और मैं इनसे यही आशा रखता हूँ कि ये अपने इस जिला के विकास के लिए और यहाँ के उत्थान के लिए और राजनीतिक द्वेष भाव को छोड़कर इसके लिए इसके विकास के लिए ये कार्यरत रहे, प्रयत्नशील रहे, यही मैं इनसे आशा रखता हूँ और ऐसे नौजवान आगे आते रहे। दोस्तों, आज समारोह यहाँ हो रहा है, मैं बच्चों से प्रार्थना करूँगा जो इस स्कूल के बच्चे हैं कि वो इस पाठशाला से सर्वप्रथम ये शिक्षा लेके जाएं कि उन्होंने अपने जो उनके बुजुर्ग हैं उनके किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करना है, किस तरीके से उनकी सेवा करनी है और अगर उनको आशीर्वाद बुजुर्गों का प्राप्त होगा तभी उनका भविष्य जो है उज्ज्वल हो सकता है और वो आगे जाके अपने उच्च पदों पर उच्च स्थानों पर जाके जो है सुशोभित हो सकते हैं। तो पहला कार्यक्रम, क्योंकि प्रथम जो शिक्षा होती है एक बच्चे की वो उसके माँ बाप से होती है और उसके बाद उसका जो जीवन बनता है, उसका जो जीवन सुधार होता है वो पाठशाला होती है और गुरुजन जो है
उनके जीवन को बनाते हैं। तो मैं शिक्षकों से भी ये निवेदन करूंगा कि सबसे पहले वो बच्चे को इस किस्म की शिक्षा प्रदान करें कि अपने घर में अपने बुजुर्गों के साथ और अपने आस पड़ोस के साथ और अपने जो साथी संगी हैं उनके साथ उनका कैसा बर्ताव होना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा यहाँ से मिलेगी वही शिक्षा आगे भी उनके भविष्य में काम आएगी। और मैं फिर से आज के इस शत्रुघ्न दिवस पर यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनको अपने हार्दिक बधाई देता हूँ और आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कि यहाँ पहुँचकर इन बच्चों का हौसला अफजाई की है और इनका हौसला बढ़ाया है। और धन्यवाद करता हूँ अपने मुख्य अतिथियों का जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय से ये आंशिक समय निकालकर आप लोगों के बीच में और हम लोगों के बीच में और इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ इन्होंने हमें दर्शन दिए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।